ऑल राइट, सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दिस इज आसिफ एंड यू आर वाचिंग टेक फिल्म्स यूट्यूब चैनल। सो आज से अराउंड 10 मंथ्स पहले यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप जो अपने रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर जो है गूगल कैमरा का 7.3 वर्जन जो इंस्टॉल कर सकते हो। सो वो वीडियो ये है एंड ये वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाकर देख सकते हो। अगर किसी वर्जन में नहीं रन कर रहा है तो ये वीडियो देख सकते हो या फिर आज का वीडियो देख सकते हो, बिकॉज आज के अंदर मैं कंप्लीट स्टेबल वाला दिखाने वाला हूँ। बिकॉज ये जो था ये पिक्सल कैम वाला था 7.3, और ये जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, जी कैम 7.3 विद कॉन्फिग फाइल्स। मतलब कॉन्फिग फाइल्स कैसे आप सेटअप कर सकते हो, पूरा बेस से लेकर आपको फुल सेटिंग्स तक आपको समझा कर दूंगा। सो मेक श्योर वीडियो को फुल एंड तक देखते रहिएगा। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हो इस चैनल को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को, सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन माय यूट्यूब चैनल @TechFlames एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स डालता रहता हूँ। सो मेक श्योर टू चेक आउट माय पेज एंड एज वेल एज यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये है मेरे पास रेडमी नोट 8 प्रो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेरे पास रेडमी नोट 8 प्रो एंड अभी फिलहाल के लिए मैंने इसके अंदर कोई रिकवरी, कोई रूट वगैरह कुछ नहीं किया है। एंड्रॉयड 10 रन कर रहा है। और कैसे डाउनलोड करना है XML फाइल और जो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फाइल मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। सो मेक श्योर वीडियो फुल एंड तक देखते रहेगा। सो दिस इज़ द कैमरा, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं इसको ओपन करके वर्जन दिखा देता हूँ आपको एक बार के लिए। सो दिस इज़ द 7.3 वर्जन, अगर आप क्लियरली देख सको तो दिस इज़ द 7.3 यहाँ पर आपको कुछ समथिंग वर्जन है, बीटा फाइनल वर्जन है। और इसके अंदर वो सारे फीचर्स वर्क करते हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने बताए थे, तो उसमें वर्क नहीं करते हैं, वो सभी जो इसमें वर्क कर रहे हैं। सो व्हाट आर दोज फीचर्स, लेट अस नो। सो लाइक यहाँ पर हम बात करें पहले ओवरव्यू के बारे में, तो स्टेबल जैसे गूगल कैमरा का वर्जन रहता है वैसे ही लग रहा है। सो इसके अंदर आपको 64 और वाइड लेंस और अल्ट्रा वाइड लेंस तीनों का फीचर मिलता है। हालांकि लैग वगैरह मिलता है लेकिन कंप्लीट फोटोज़ वगैरह क्लिक होते हैं और आपको क्वालिटी भी डिफरेंस देखने को मिल जाती है। सो दिस इज़ द मेन लेंस एंड यहाँ पर आप जूम करते हो तो जूम का भी हो जाता है। एंड अगर आप अल्ट्रा वाइड यूज़ करना चाहते हो देन यू कैन ऑल्सो यूज़ द अल्ट्रा वाइड लेंस ऑन दिस कैमरा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर वीडियो भी रन करता है, तो वीडियो यहाँ पर देख सकते हो वीडियो भी रन कर रहा है। सो वीडियो में अगर आपको एरर आता है तो आप मेन लेंस पे रख के जो इसको यूज़ कर लीजिएगा। एंड मैं वीडियो को स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। सो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो रन भी हो रही है। तो और अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आप बात करें मोर में, तो मोर में ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है और ज़्यादातर लोग इसको यूज़ भी नहीं करते हैं। तो टाइमलेस वगैरह भी मिल जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो टाइमलेस वगैरह सब रन हो रहा है। और बात करें मेन लोग जो पूछते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी पर्सनली पूछते हैं कि पोर्ट्रेट वगैरह वर्क करता है फिर नहीं करता है। सो या दोस्तों पोर्ट्रेट वगैरह वर्क करता है, लाइक यहाँ पर फ्रेम में यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप आपको देखने मिलता है लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप ये देखोगे सो वर्क करता है। मेन पर हम बात करें नाइट शॉट के बारे में, तो नाइट शॉट भी वर्क करता है जो कि यहाँ पर आपको देखने मिलता है वाइड लेंस में एंड अलॉन्ग विद दैट दूसरे लेंस में भी। सो नाइट शॉट में फोटो लेके दिखा देता हूँ। सो ये हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इमेजेस वगैरह सभी आ गए, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। सो दीज आर द इमेजेस जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिले। सो यहाँ पर आप देख सकते हो और सारे के सारे आपको जो सेटिंग्स मिलते हैं वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं, जो कि HDR हो गया, यहाँ पर आपको फ्लैश हो गया, रॉ होना चाहिए, फिर JPEG होना चाहिए, सब कुछ मिलता है। सेटिंग्स में जाओगे तो एडिशनल मॉड्यूल्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप XML फाइल लोड कर लेते हो तो सेटिंग्स अपना खुद पर खुद ही यहाँ पर सेटिंग्स हो जाएंगे। XML फाइल कैसे लोड करते हैं, तो नॉर्मल सा सेम मेथड है, आपको शटर बटन की बाजू में दो बार टैप कर देना है। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ये वाला XML फाइल, आप कोई भी XML फाइल यूज़ कर सकते हो जिसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दूंगा। सो कैसे लेना है लिंक वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। सो यहाँ पर वाला यूजर वर्ल्ड वाला 2XML वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड अपडेट कर देना है और उसके बाद ओपन कर देना है। और आपको कैसे डाउनलोड करना है, सो सिंपली आपको मुझे इंस्टाग्राम पर आकर एक DM कर देना है ताकि आपको गूगल कैमरा 7.3 लेटेस्ट वर्जन अपने रेडमी नोट 8 प्रो के लिए चाहिए। सो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, डायरेक्ट लिंक रहेगा वेबसाइट का, कोई भी ऐड वगैरह नहीं आएंगे, बिकॉज मैं डायरेक्ट जेन्यून वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, मैं कोई भी अपना वगैरह URL वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, एफिलिएट वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्ट लिंक है। सो यू कैन गो थ्रू दिट एंड पेज पर बुलाने का एक ही मकसद है, अगर आपको कंटेंट वगैरह पसंद आता है इस पेज पर सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड ऐप के बारे में बात करें तो 95 MB का ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको XML कहाँ पर रखना है वो भी यहाँ पर मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इंस्टॉलेशन के द्वारा। सो पहले तो अगर आपने पहले दोनों ही एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी है मैंने लिंक DM में दे दूंगा आपको, APK फाइल एज वेल एज XML फाइल दोनों दे दूंगा। सो वंस यू आर डाउनलोडेड आपको इंटरनल स्टोरेज में जाना है एंड यहाँ पर आपको एक GCAM का फोल्डर बना देना है। GCAM में आप देख सकते हो कि एक config7 नाम का एक फोल्डर है, तो उसको यहाँ पर config7 नाम से बना देना है। और यहाँ पर मैंने सारे XML फाइल को जो है पेश करके रखे हैं, तो जो मैंने आपको लिंक दिया है वहाँ से अगर आप कोई भी XML फाइल डाउनलोड करते हो सो यू हैव टू पेस्ट इन दिस फोल्डर।
एंड एप्लीकेशन कहीं पर रहे कहीं पर भी रहे चलेगा। सो एप्लीकेशन को नॉर्मल एज नॉर्मल एप्लीकेशन जो ऐसे इंस्टॉल करते हो तो वैसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया शटर बटन के बाजू जो है आपको डबल टैप कर देना है और XML फाइल लोड हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके का आपको शटर डबल टैप कर देना है एंड यहाँ पर आपको देख सकते हो कि सारे XML फाइल लोड हो जाएंगे। जितने भी फोल्डर के अंदर XML फाइल रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ लोड हो जाएंगे। अगर कोई वर्क नहीं करता है तो आप दूसरा यहाँ पर ट्राई करके अपडेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप करके अपडेट कर दीजिएगा, देन वो ऐप जो एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा। देन यू कैन यूज़ द गूगल कैमरा 7.3 वर्जन ऑन योर रेडमी नोट 8 प्रो इजीली विदाउट एनी एरर। मतलब कि सारे फीचर्स वर्क करते हैं, नाइट साइड से लेकर पोर्ट्रेट कैमरा, वीडियो एंड टाइमलैप्स, इवन टाइमलैप्स भी वर्क करता है। सो मेक श्योर टू चेक आउट दिस लेटेस्ट गूगल कैमरा 7.3 वर्जन, सेफेस्ट है। सो आप इंस्टाग्राम में एक DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाइवर्ट करने का मैंने रीज़न बता दिया है। सो टू चेक आउट माई कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, ना ट्विटर पर रहता हूँ, और आपके सारे क्वेरी के सवाल जवाब भी मैं इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ। अगर आप मुझे DM करते हो अपना कोई भी क्वेरी, सो आई विल लेट यू नो एंड सॉल्व योर इशू। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एज वेल एज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट इट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज जल्द से जल्द हमको जो है 1K सब्सक्राइबर्स जो है माइलस्टोन यूट्यूब पे कंप्लीट कर लेना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।